फैमिली, आप सभी को गुड मॉर्निंग और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर यूट्यूबर साधना सोनी हैप्पी विथ सिंपल लाइफ में। यहाँ पर मैं आपसे बता रही थी कि ये मेरे जो ये व्लॉग है, ये कल का व्लॉग था, जो कल का व्लॉग काफ़ी लॉन्ग होने के कारण मैं आज इसको अपलोड किया मैंने उसके बचे हुए पार्ट को, क्योंकि मैंने कल आपके लिए बहुत कुछ शूट किया था और कल दिखाना इम्पॉसिबल था, जिसके कारण मैंने आज इसको पोस्ट किया है। और यहाँ पे पतिदेव जी आ गए हैं, क्योंकि आगे की सारी कुकिंग हमारे पतिदेव जी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्वीट डिश, गाजर का हलवा। आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आगे का व्लॉग, क्योंकि जो आगे जो कुकिंग है वो पतिदेव जी ने की है, मैं तो बस यहाँ पर क्या कर रही हूँ, डिनर तैयार कर रही हूँ। और उसके बाद इन्होंने बोला है तुम डिनर तैयार कर लो, उसके बाद किचन हो जाएगा खाली। फिर ऐसा होता ना कि अपने ही अकॉर्डिंग काम करने का मतलब एक तरीका होता है, तो जब वो काम करते हैं तो मैं डिस्टर्ब नहीं करती, जब मैं काम करती हूँ तो वो डिस्टर्ब नहीं करते। जिसके कारण अभी बस फटाफट डिनर बना के मैं किचन को करूँगी खाली, टाटा बाय बाय कर दूँगी। फिर वो आकर किचन में पतिदेव जी अपनी कुकिंग करेंगे। आगे आपको बहुत अच्छा लगेगा गाइस, पूरा व्लॉग देखना, ओके। तो यहाँ पर मैं आपको यही सब बता रही थी कि इनको मीठा बहुत पसंद है और भले थोड़ा सा खाते हैं पर इन्हें पसंद है। इस सीज़न मतलब गाजर का हलवा तो हमारे यहाँ बहुत बनता रहता है, और अभी तो पूरी सर्दी बनेगा क्योंकि पतिदेव जी को बहुत पसंद है। आगे का व्लॉग आप ज़रूर देखिएगा गाइस, मैं अभी भी बोल रही हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है, ओके। तो चलिए थोड़ी सी क्लिप इसमें हमारी है, उसके बाद पूरी कुकिंग पतिदेव जी ने की है, तो चलिए फिर एंजॉय कीजिए आप। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सब्जी में तड़का लगाया है, और क्योंकि अभी पालक थोड़ी सी थी तो वो थोड़ी सी बनेगी, बिल्कुल इतनी सी बनेगी, और इस पे मैंने ऐसे तड़का लगाया है। और अभी मैं इसमें पोटैटो भी ऐड करूंगी, थोड़े टमाटर ऐड करूंगी, इस तरह से बनाऊंगी मैं इसको। तो बस अभी इसको जस्ट मैंने लहसुन, जीरा और हींग डाला है। तो बस डिनर की तैयारी हो रही है, और अभी इसमें मैं यहाँ पे मैं पालक भी तैयार करती जा रही हूँ साथ में, और आपसे बात भी करती जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं भी आपके सामने पूछती हूँ पतिदेव जी से कि वो पूड़ी लेना पसंद करेंगे कि चपाती। केशव जी, आप अभी शाम को डिनर में पूड़ी लेना पसंद करेंगे चपाती? चपाती, देखा मुझे पता था चपाती के लिए बोलेंगे। तो भाई फटाफट से आटा लगाकर हम बनाएंगे चपाती। और मैं क्या बोलने जा रही थी, तो देखा मैंने आपसे कहा था ना ये चपाती लेंगे, क्योंकि अभी दो आई थिंक परसों तो है ना, एकादशी परसों थी, तो हमने पूड़ी ली थी, तो मैंने बोला था चपाती लेंगे, तो फटाफट से अब चपाती बना लूंगी मैं। सब्जी चढ़ा दी है आपके सामने, तो गाजर का हलवा आप शूट करोगे बनाते टाइम? करेंगे, चलो तो गाजर के हलवे की शूटिंग पूरी यही करेंगे, क्योंकि मैं तो अपना डिनर बना के किचन से हो जाऊंगी फ्री, फिर इनके हैंडओवर हो जाएगा किचन। तो गाजर के हलवे का जो भी प्रोसीजर है, जैसे भी बनाएंगे, जरूर देखिएगा हमारे पतिदेव जी की कुकिंग, तो किस तरह से बनाते हैं, और बहुत एक्सपर्ट है क्योंकि इन्होंने बहुत सो, ओके। तो यहाँ पे मैं ये कह रही थी, इन्होंने बहुत बार बनाया है, बहुत एक्सपर्ट है, बहुत अच्छा बनाते हैं। हाँ मैं यही कह रही थी, देखा लास्ट ईयर हमने बहुत बार बनाया, तो इसलिए बनता है क्योंकि इन्हें बहुत पसंद है ना, इसकी वजह से बनता है, और बन जाता है तो मैं भी खा ही लेती हूँ। तो चलिए ऐसा नहीं, अगर हमारे सीजन स्टार्ट हो गया है, गाजर का हलवा बनाइए, खाइए, बहुत टेस्टी होता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं, लाकर के खाने से अच्छा है कि घर में। ओ माय गॉड, ये बाहर वाली तो बात सच में गाइस, ये कोरोना है ना जो बहुत ज्यादा तादाद में फैल रहा है, बी सीरियस, ये कोरोना खत्म हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग इसको थोड़ा सा मतलब रोकथाम हम करें ना, लापरवाही अपने से हो रही है सच में। आप शॉपिंग करना बंद करिए, ठीक है ना, शॉपिंग जो है जैसा है उसमें एडजस्ट कीजिए, अभी शॉपिंग जरूरी नहीं है उसको बंद करिए, और पूरी तरह से मतलब अगर हम अपने को मतलब रोकथाम करें ना, तो हम सच में कोरोना को खत्म कर सकते हैं। आप मास्क प्रॉपर पहनिए,
और ज्यादा से ज्यादा आप हो सके तो घर पर रहिए। बाढ़ वाली जगह पे जाना क्यों हो रहा है यार अभी, जब बिल्कुल भी नहीं स्ट्रिक्ट है कि भाई नहीं जाना नहीं। अभी तो मुझे कोई शॉपिंग करनी ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जैसे भी बहुत सी चीजें अपने हाथ में जिसको अपन मैं जैसे भी एड्रेस करके जो है कर सकते हैं, बट अभी बिल्कुल शॉपिंग कोई जरूरी नहीं, बिल्कुल नहीं। और हो सके जितना हो सके मास्क, अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरी है तो आप बाहर जाइए भी तो पूरा मास्क वास्क पहन के कवर होकर निकलिए, क्योंकि क्या होता है ना कि हर इंसान अपने परिवार से जुड़ा होता है, कहीं ना कहीं किसी का परिवार तो होता ही है ना। आप कहीं जाओगे किसी से मिलोगे तो उसका भी परिवार है, आप अपने परिवार में भी आओगे, तो ये ऐसा है कि एक से होके खत्म नहीं होता, ये कितनों में बढ़ जाता है। इसलिए हमारे भी बहुत से प्लान थे लेकिन ड्रॉप किए ना यार, नहीं जाना तो नहीं जाना, बहुत से प्लान है जो ड्रॉप किए क्योंकि आउटसाइड इतना डेंजर हो रखा है अभी, तो बाहर माहौल ही खराब है यार। बिल्कुल भी नहीं गाइज, आप लोग सच में इस चीज को समझिए, बहुत हम इसको खत्म कर सकते हैं। अगर हम खत्म हो गया तो अपॉर्चुनिटी करना है, नहीं जाना तो उसको सीरियसली लेना, बी सीरियस, अभी बी सीरियस, सीरियस होने का टाइम है, इसको लाइटली मजाक में नहीं लेने का, बी सीरियस सच में गाइज। और ये पता है क्या है, जब किचन खाली हो जाएगा तो अभी बोलूंगी कि शॉपिंग वगैरह ये सब बंद करिए, भीड़ भाड़ के जगह में मत जाइए, आपको बहुत जरूरी है तो ही आप अपने घर से निकलिए, मास्क पहनिए प्रॉपर, मतलब पूरी तरह से अपना मतलब ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट तो जरूर ही करना, और हो सके शेयर तो शेयर भी कर देना, तो ये चार काम प्लीज जरूर करना। सो इसमें कोई ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं है, बैठे बैठे ही हो जाना है सारे काम जो मैंने बताए, वो बैठे बैठे एक जगह पे बैठे बैठे सब हो जाएगा। सो आज का ब्लॉग कैसा लगा ये जरूर बताना, ठीक है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और सो यहाँ गाजर को हमने क्या है ये कस लिया है, ठीक है, बारीक बारीक कद्दूकस में गाजर को कस लिया। अब गाजर में डालेंगे, कसी हुई गाजर में डालेंगे एक कप दूध, जैसे कि ये मैं डाल दिए, ठीक है। दूध चाहे तो और भी डाल सकते हैं, बट सफिशियंट है जितनी गाजर है उसके हिसाब से दूध सफिशियंट है। सो ठीक है, मैंने गाजर में डाल दिया दूध और अब इसको थोड़ा सा बॉइल करेंगे। तैयार करेंगे गाजर का हलवा, जैसी कढ़ाई, कढ़ाई में अपने जो है ये डाला देसी घी, ठीक है। ये एक्चुअली घर का बनाया हुआ देसी घी है, सो हम यहाँ रखेंगे देसी घी। यह मेल्ट हो चुका है तो घी में सबसे पहले हम डालेंगे मिल्क केक, ठीक है, ये मिल्क केक हम घी में डालेंगे। डालने के लिए गाजर के हलवे में आप मावा भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर मावा अवेलेबल नहीं है तो आप मिल्क केक से भी काम चला सकते हैं। मिल्क केक से भी गाजर का हलवा टेस्टी होता है, तो हम लोग तो जब भी बनाते हैं मिल्क केक डाल करके ही बनाते हैं। तो मिल्क केक के जो भी लम्स हैं वो लम्स आपको फोड़ने हैं।
मिल्क केक की एक खासियत है, मिल्क केक थोड़ा मीठा होता है, इसीलिए आपको गाजर के हलवे में ज़्यादा मीठा डालने की ज़रूरत नहीं है, लाइक शुगर ज़्यादा चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिल्क केक ऑलरेडी आपका मीठा है। सो उस हिसाब से स्वाद अनुसार आपके स्वाद के हिसाब से आप शुगर ऐड कीजिएगा। चलाते रहिए, नीचे लगना नहीं चाहिए। देखिए खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। बस इसको थोड़ा हल्का ब्राउन होने तक आप थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए, भून लीजिए हल्का ब्राउन होने तक। लगभग सारे लम्स मेल्ट हो गए हैं इसके, ये देखिए। देख रहे हैं। पैरेलल में ड्राई फ्रूट भी अपने तैयार कर लिए हैं, ये आपका बादाम हो गया, काजू हो गया और पिस्ता हो गया। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स जितनी ज्यादा मात्रा में डालेंगे स्वाद उतना ही अच्छा है। ये देखिए, यहाँ मेरा मिल्क केक गाजर के हलवे के लिए तैयार हो चुका है। सो गैस करेंगे ऑफ, कढ़ाई हमने वही यूज किए। गाजर का लिक्विड ऑलमोस्ट सूख चुका है, बस ध्यान रखना है आपको नीचे बॉटम में लगने नहीं देना है गाजर को, क्योंकि अगर नीचे बॉटम में लगता है तो फिर वो जले जलेगी, स्मेल सी थोड़ी सी आएगी, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। सो थोड़ा सा ध्यान रखें, नीचे लगना नहीं चाहिए। आप मीडियम आंच में इसको बस जो भी लिक्विड है उसको सुखाना है, और ऑलमोस्ट सूख चुका है। सो अब हम इसमें डालेंगे अपना अपना मेल्ट किया हुआ मिल्क केक, ये देखिए मेल्ट किया हुआ मिल्क केक। ठीक है, मिल्क केक ऑलरेडी मीठा था तो मुझे नहीं लगता शायद शुगर ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी मिल्क केक मीठा है। फिर भी आप अपने स्वाद के हिसाब से चाहें तो शुगर ऐड कर सकते हैं।
ध्यान रखना, नीचे लगने नहीं देना इसको। सही है मीठा, अपने लिए तो सफिशिएंट है, बाकी आप चाहें तो शुगर और ऐड कर सकते हैं, बाकी अपने लिए सफिशिएंट है। बस ये हो गया आपका गर्मा गर्म गाजर का हलवा तैयार, और आपने जो भी ड्राई फ्रूट्स रखे थे तैयार करके वो आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए, ये काजू हो गया, बादाम हो गया, और ये आपका पिस्ता। सो गाइस, गर्मा गर्म गाजर का हलवा तैयार है, गर्म गर्म सर्व कीजिए, खाइए। बाय बाय। सो गाइज, ये देखिए गाजर का हलवा रेडी हो चुका है, और सच में गाइज मैंने तो इसे एंजॉय भी किया है, बहुत टेस्टी बनाया था, बहुत टेस्टी। और वैसे भी ये बहुत टेस्टी बनाते हैं गाजर का हलवा, और आप बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। बहुत ही इजी वे में बनाते हैं, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं करते, बट इंग्रेडिएंट्स सारे डालते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ते हो, सभी कुछ डालते हैं इसमें, और इसलिए बहुत टेस्टी बनता है। सो आप भी अपने घर में ट्राई करना ज़रूर।